आयरन आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये दो सूट है, ये आई है प्रमोशन खातर, एक मेरा एक मेरी बेटी का। इनकी कटिंग स्टिचिंग करूंगी, इनकी फुल डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, सुनीता एंड जिज्ञासा का चैनल पे। ये देखो ये रियोन का कपड़ा है, ये कुर्ती का कपड़ा है और यो बॉटम का, और यो दुपट्टा है। दुपट्टा भी ठीक ठीक है, छोटा ही है, 2 मीटर तक भी कमी लागे मन तो। इसकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, ये कपड़ा लाके 2 मीटर है दुपट्टा का कपड़ा, 2.25 मीटर बॉटम का और 2.25 मीटर कमीज का, दोनों सूटा के न्यूए हैं। ये करूंगी मैं ए शेप कुर्ती की कटिंग, ये डबल फोल्ड में है, ये लंबाई का बड़ है, ये चौड़ाई का बड़ है, ये चौड़ाई का बड़ नीचे यू डिजाइन दे रखा है इसका थोड़ा हा, ये जोड़ी पे इस बल काटना पड़ेगा, ये चौड़ाई का बल, लंबाई का बल को नहीं, ये स्ट्रेचेबल न्यू दे रखा है। जिस बढ़ता है स्ट्रेचेबल हो उस बढ़ता है चौड़ाई करनी चाहिए कमीज की, यो नीचे जोड़ी पावगा। कुर्ती का नाप है लंबाई 42 इंच, 13-12 इंच, छाती 34, कमर 30 इंच और स्लीव लेस बनाऊंगी मैं। इसने डबल फोल्ड में बिछा लिया और यो 4 फोल्ड में कर लूंगी मैं, दोनों इससे गला ही काटूंगी, अगला पिछला दोनों गला ही निकट जाएंगे। ए शेप कुर्ती की कटिंग करूंगी मैं, यो लंबाई का बड़ा है, ये 4 फोल्ड में बिछा ली, मेरी साइड बंद है और इस साइड ये 2 पल्ले तो खुले हैं और ये 2 बंद है, ये उरत है, बाजू बनाना चाहो तो बाजू आ जाएगी। चौड़ाई में 16 इंच ले लिया मैंने, 1-1 इंच सिलाई में चला जाओगा, 4 पल्ल्या पे 4 दोहरे मुड़ेंगे जो साइड, और 15 इंच तैयार बच जाएगी। आप अपना अकॉर्डिंग ले सको हो, कितना भी चौड़ा और लंबा लेना हो तो और लंबाई ले सको हो, और साइड में ऐड बाजू बच जाएंगी। लंबाई रखूंगी मैं, ये इसकी लंबाई है पूरी 44 इंच का पन्ना है, यो इतना का इतना ले लिया, ये नीचे डिजाइन है, थोड़ा हा मोड़ूंगी इतना का, या पूरी लंबाई रखूंगी मैं और उरत है नापूंगी, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाऊंगा तो ये बच जाएगी, 43 इंच का लगभग भी बच जाएगी, 42.5 या 43 इंच लंबाई होगी कुर्ती की। ये तीरा का निशान लगाऊंगी मैं, 12 इंच है तीरा, 12 का 1/2 हो गया 6 इंच, 6 इंच पे निशान लगा दिया और 1/2 इंच मोडा खातर लूंगी, ये 6 इंच पे निशान लगा दिया, 1/2 इंच बढ़ा के लूंगी 6.5 इंच पे। ये एड तो ये करनी है, इसकी कटिंग करूंगी, ये थोड़ा हा ऊंचा नीचा है, पूरे में है कपड़ा, ये ऊपरला पल्ला लिखड़ रहा है, इसका ऐड तो निशान लगाऊंगी, आर्म होल का निशान लगा दिया 6.5 इंच पर, ये 6.5 इंच पर मोड़ का निशान लगा दिया और 14 इंच पर लगा दिया कमर का निशान, और मैं रखूंगी 20 इंच तक लगा दिया हिप का निशान। इसने ऐड तो ज़्यादा दोहरे कम करना चाहो तो ज़्यादा लगा सको हो, 21-22 मैं रखूंगी 20 पर, ये ऊपर तक इन निशाना में सीधी लाइन खींच दूंगी मैं, साढ़े 6 इंच पर लगा दिया छाती खातर निशान और 14 इंच पर कमर का और 20 इंच पर हिप का, छाती है 34 इंच, 34 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 8.5 इंच, 8.5 इंच पर यो निशान लगा दिया और 2 इंच मार्जिन का रख लिया। कमर है 30 इंच, 30 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 7.5 इंच, ये 7.5 इंच पे निशान लगा दिया, ये फिटिंग का हो गया और 2 इंच मार्जिन का। हिप है 40 इंच, 40 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का रखूंगी। हिप इसने इन आपस में मिला दूंगी सारे निशाना ने, यो फिटिंग का हो गया और यो मार्जिन का, ये निशान मिला लिए, इस निशान पर तय इस कोणों पर मिला दूंगी, ये कटिंग का निशान होगा और ये 1.5 इंच का मार्जिन रख रखा है, फिटिंग का निशान हो जाएगा, ये हो गया फिटिंग का निशान, ये हो गया कटिंग का निशान। ये उरत है अंदर की साइड 1/2 इंच लूंगी अरमोल का निशान लगाने खातर, और ये 6.5 इंच है तो इसका 1/2 में निशान लगाऊंगी, 3 इंच पे इसने यू मिला दूंगी एड तय, और इस पर अगले हिस्से की अरमोल की गुड़ाई दे दूंगी, यह होगी अगले हिस्से की गुड़ाई और 1/2 इंच इस निशान पर है बार की साइड करके ना पिछले हिस्से का अरमोल की गुड़ाई दे दूंगी, ये होगी पिछले हिस्से की गुड़ाई, और गला की कटिंग करूंगी मैं बाद में बुकरम का गिल्ला, ये कर लूँ इस पर है कटिंग। जिसने कोने नहीं पसंद तो वो 1-1.5 इंच पर यू निशान लगा के ना इसकी यूं गोड़ाई दे सको हो, इस तरह कोने को निकलेंगे, मैं रखूंगी सीधा, ये गोड़ाई कौन दे दी इस पर, तेनू की नु कटिंग करूंगी।
ये होगी कुर्ते की कटिंग। ये भी है पिछला हिस्सा हटाऊंगी और अगला रमोल की भी कटिंग कर दूंगी। जो पिछला हिस्सा एक साइड कर दिया, जो निशान लगा रखा है इस पर तो और कटिंग कर दूंगी। ये होगी कुर्ते की कटिंग। इसमें है यो उरेब में करूंगी, यो नूरेब में है और बाजुआ का लाड़ की पट्टी काट लूंगी उरेब में, क्योंकि स्लीव लेस रखूंगी मैं इसमें। एक एक इंच की पट्टी काट दूंगी, एक एक इंच में निशान लगाया कि नहीं पता है, कटिंग कर दूंगी। ये करूंगी सूट की स्टिचिंग। यो पिछला हिस्सा ले लिया, पिछला हिस्सा का गला बनाऊंगी, लंबाई में बनाऊंगी 8.5 इंच और नीचे तय 3 इंच लेंगी और ऊपर तय 2.5 इंच और इनकी इन्हें यूँ सीधा मिला दूंगी और एड तक गोलाई दे दूंगी। पीछे का गोल बनाऊंगी और आगे का बनाऊंगी वी शेप में, इस पर तय कटिंग कर दूंगी। ये हो गया पीछे का गला और इसका यह पूरे पट्टी काट रखी है, यह लगा दूंगी, इसने यूँ रखूंगी और इस पर यूँ लगा दूंगी। और आगे का गला है वी शेप, वी शेप में काट के ना और यू पिन अप कर लिया हमने। ये काटा है 7 इंच का, 7 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा, यू पिन अप कर लिया। इसका एड को सिलाई लगा दूंगी, ये दोनों गड़िया का सिलाई लगा दूँगी, ये दोनों का सिलाई लगा ली। ये पिछला भाग का या उरे पट्टी जोड़ ली और अगला भाग का या सिलाई लगा दी। ये भी इसका छोटे छोटे कट लगा दूंगी और इसने अंदर की साइड मोड़ दूंगी, आसानी होगी या कट लगा के न मोड़ना था, अंदर की साइड मोड़ दूंगी और इसकी भी कटिंग कर दूंगी। एक एक पंजे का बीचा छोड़ के ना कटिंग कर दूंगी और इसका भी छोटे छोटे कट लगा दूंगी, आसानी तो मुड़ जाएगा ये कट लगा पास है। और इसने अंदर की साइड मोड़ दूंगी। इसका सिलाई लगाने तो पहले कंधे जोड़ूंगी और ये इसका भी बाद में ही लगाऊंगी सिलाई, पिछला गला का भी इसने यूँ मोड़ूंगी और ये कंधे जोड़ दूंगी। यो यूँ मोड़ के ना जो ये बुकरम वाला गला बनाया है इस ज्वाइंट पर रखूंगी और इसने यूँ मोड़ूंगी, इसका सिलाई लगा दूंगी, दोनों कंधे नुए जोड़ दूंगी, दोनों साइड के कंधे जोड़ लिए। ये पहले ये बाजुआ का उरे पट्टी लगाऊंगी, ये स्लीव लेस है बाजू, ये मोड़ा का ये उरे पट्टी ला दू, जिस तरह कुर्ती का पिछला गला पलाई है यूँ रखूंगी ये डबल में उरे पट्टी और इस पर सिलाई लगा दूंगी। अरमोल का या उरे पट्टी ला ली, ये बिस्ने अंदर की साइड मोड़ दूंगी और यह सिलाई कर दूँ पहले और फिर तुरपाई करूँगी, कच्ची सिलाई कर दूँगी। ये दोनों मोड्या में ला ली सिलाई और ये ला लूँ फिटिंग की सिलाई साइड में, ये निशान ला रखे हैं, निशान के ऊपर को ये सिलाई लगा दूँगी। ये अगला पिछला गड़ा का भी सिलाई लगा ली, ये तुरपाई कर लूँगी, इनका कच्चा कर लिया। ये दोनों साइड निशान लगा रखे फिटिंग के, इनके ऊपर को फिटिंग की सिलाई लगा दूँ, सिलाई लगा ली दोनों साइड। ये भी इसके ये चाक बनाऊंगी, ये एड तो स्टार्ट करूंगी, इसका तुरपाई को नहीं कर दी, सिलाई ये लगाऊंगी सिर्फ, ये शेप की कुर्ती है, यह एड तो स्टार्ट करूंगी, इसने यूँ मोड़ूंगी और इसका सिलाई कर दूंगी। ये चारों तरफ है न्यू है, इतना इतना बिच्चा दे के ना और सिलाई लगा दूंगी मैं इसका, पल्ला पैसा है घेरा पको, यो कोना पाएगी इसने कोना नहीं मोड़ूंगी और ये सील दूंगी और यू नीचा घेरा पाएगी, ये घेरा पर भी नुए मोड़ दूंगी। ये साइड मोड़ दी, नीचे तो मोड़ दी, या कुर्ती होगी तैयार, स्लीव लेस कुर्ती बनाई है। ये देखो नीचे तुरपाई को नहीं कर दी ना साइड में कर दी, गला गला का तुरपाई करूंगी और एड़ा मोड़ दिया मैं।